कई मियां बीवी को दो पास मिलते ना, साथ में 12 साल का बच्चा लेके आ जाती हैं। भैया ये तो 6 साल का, इसको तो आने दो। भैया ये तो ऐसे ही आ गया। मैंने कहा पास दो तो 3 कैसे आ गए? मैं पास की बात नहीं करनी हुई, दुनिया में ऐसे आ गया, कोई प्लानिंग नहीं थी। एक्चुअली क्या है ना, एक बार मेरे हस्बैंड के ऑफिस में स्ट्राइक चल रही थी तो वो जल्दी घर आ गए, बस फिर ये भी आ गया। जाने दो ना भैया अंदर। अच्छा, देश के किसी भी हिस्से में कोई मूवमेंट चल रहा हो, कोई आंदोलन चल रहा हो, हर आदमी एक ही बात बोलता है, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। मुझे ये नहीं समझ में आता दिल्ली में किसको सुनाने आते हैं ये। मोदी साहब वैसे बिजी हैं, बाकी बच्चे गवर्नर साहब और केजरीवाल साहब, वो एक दूसरे की नहीं सुनते, तो सुनाने आते किसको मुझे समझ में नहीं आता। पाजी आप तकरीबन दिल्ली में भी रहे हो, मुंबई में भी रहे हो, अमृतसर में तो आप रहते ही हैं, आपको दिल्ली अच्छी लगती है या मुंबई? जो हंसते हंसते बीत जाए वो पल खास होता है। वाह। बिना बोले बिना कहे प्यार का एहसास होता है। वाह। वैसे तो कई शहरों में मकान है मेरा, पर ये दिल्ली, दिल्ली बोल 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 बोल, पर ये दिल्ली मुझे अपना घर लगता है, यहां मुझे स्वर्ग का एहसास होता है। तो दिल्ली में सिद्धू पाजी को स्वर्ग जैसा आभास होता है, भाभी तो अमृतसर में रहती हैं, फिर कौन आपके पास होता है जिसकी वजह से आपको स्वर्ग का आभास होता है? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। कभी पता नहीं आपको मेरी मर्दानगी से क्या तकलीफ है, मुझे पता ही है। मैं आपको ऐसे आजकल एक्चुअली ना अली भाई को सच्ची में आदत होगी, आपको पता है, इनकी वाइफ मुझे फोन करके कहती पिछले हफ्ते, कहती आप प्लीज जल्दी से शो शुरू करो, मेरी नाइटी पहन के रात को बच्चों को बोलते मैं ही तुम्हारी असली मम्मी हूँ। अली भाई आपका लोग ही डिसाइड करेंगे, आप मिस्टर अली असगर को किस रूप में देखना चाहते हैं, जेंट्स या लेडीज? ओके, जो लोग चाहते हैं ये जेंट्स के रूप में आए हाथ खड़ा करें, कोई नहीं, जो चाहते हैं लेडीज के रूप में आए। अली भाई आपकी टेंशन खत्म, जनता के खिलाफ नहीं जाना, आपका सामान पीछे पड़ा है। नहीं, लेडीज कहती है समझ में आता, मर्द क्यों हाथ उठाते, मुझसे क्या फायदा मिलेगा आपको? किक्कू शारदा जी को ये पहले ऐसे क्रांतिकारी कॉमेडियन हैं जो कॉमेडी के चक्कर में जेल भी जा चुके हैं। तो, किक्कू भाई एक बात बताओ, आपने किया क्या था? अब छोड़िए ना, माफ कीजिए सर, ये तो आपने बाद में बोला था ना, पहले क्या किया था? इनसे मिलिए, ये है मल्टी जेंडर आर्टिस्ट मिस्टर सुनील ग्रोवर। कहते हैं हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन भगवान की दया से इनके अंदर ही एक औरत है। सुनील भाई आप जब आदमी बन के बाहर जाते हो लोग आपको पहचान लेते हैं? What do you mean? आदमी ही हूं मैं, आदमी बनने का मतलब मैं औरत बनता हूं भाई। नहीं तो पर आज आदमी के कपड़ों में है तो कैसा लग रहा है आपको? मेरे को आई एम फीलिंग वे लाइटर, मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है मेरे सीने से कोई बोझ उतर गया हो। आई एम थैंकफुल टू द होल टीम दैट दिस टाइम आई एम कमिंग एज अ जेंट्स। अब इनसे मिलिए, ये है वेरी फाइन एक्ट्रेस, वेरी फाइन एक्ट्रेस शिमोना चक्रवर्ती। एक्चुअली इनके बारे में खास कुछ था नहीं बोलने को, तो मैंने फाइन एक्ट्रेस बोल दिया। जोक्स अपार्ट, ये टीवी की काफी जानी मानी हस्तियों के साथ काम कर रही है आजकल। ओके, थैंक यू। शिमोना आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू कपिल सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर सो मच ऑफ लव, थैंक यू दिल्ली। अच्छा शिमोना एक बात बताओ। हाँ जी। आप कितने साल से एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हैं? कोशिश मतलब? हाँ वैसे 9 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, शुरुआत डेली सोप से की थी। इवेंचुअली पब्लिक ने मुझे कॉमेडी में काफी ज्यादा पसंद किया, सो हियर आई एम। तो आपको अपने टैलेंट का काफी देर बाद पता चला? हाँ, पर होठ तो बचपन से ही ऐसे होंगे ना, तो बाद में पूछ रहा हूँ। लिसन, खबरदार तू नहीं गया, तेरे को अलग से धक्के मारूं मैं।
मेरे को इंट्रोड्यूस तो कराओ, सबको करा दिया, मेरे को भी कराया आपने। ये मेरे बचपन का दोस्त है, स्कूल में हम लोग साथ पढ़े हैं। इनके बारे में क्या बताऊं, बस इनकी पीठ पे पिंपल हुआ है, तो जो आप मदद करना चाहें इनकी कर सकते हैं। वो पिंपल नहीं, मेरे पीठ पे फोड़ा हुआ है। थोड़ी रिस्पेक्ट दे रहा था मैं उस बीमारी को, तू लाना था तेरे पे। तो ये क्या रिस्पेक्ट दिया आपने, फोड़े को टाई लगा रही है, क्या रिस्पेक्ट दिया इसमें आपने? यार देख, ये मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हाँ जी। मेरा सेक्शन ए था, इसका डी था, मेरा इंग्लिश मीडियम था, इसका पंजाबी मीडियम था। हाँ जी। और सबको पता है इंग्लिश किसकी वीक है। सही बोला। अच्छा, अगर हमारी टीम में कोई आम आदमी है तो मेरा ये भाई। आप ना मुझे लाइटली ले रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता है केजरीवाल साहब ना पॉलिटिक्स में आने से पहले से मुझे जानते हैं। चुनाव चिन्ह जो झाड़ू रखा ना, तेरा मुंह देख के आइडिया आया था उनको। मेरे पॉल इतनी गर्मी में जब शादियां होती हैं, सर्दियों में तो फिर भी चलो हो जाता है, अच्छा गर्मियों में जब शादियां होती हैं तो पसीना नुचुड़ नुचुड़ के थाली में गिर रहा होता है। लोगों को देखने वाले को लगता है आंटी शायद दही बल्ले में लाल मिर्ची डाल के खा रही है, वो सिंदूर टपक रहा होता है उसका। अरे सुबह सिंदूर की वजह से पेट खराब होता है, फिर हलवाई को कमबख्त मारे गल दही भाई खिला दिए मेरे को, ये तो था ही दही बल्ले खराब थे हम, मतलब कुछ भी होता है। अच्छा गर्मी में आदमी लोग तो बेशर्म हो जाते हैं, बड़ा वाला पंखा नहीं चल रहा होता जो शादी में, वहां पे जाके अपनी शर्ट उतार के खड़े हो जाते हैं, ओहो हो हो बड़ी गर्मी है। अच्छा पीठ का पसीना सूखा, फिर आगे से खड़ा करके ना अपना पेट खाली करके वो उसका सुखा रहे होते हैं, ओहो हो हो। पसीना ना भी सूख के ना सामने जो अगला आदमी खा रहा है उसकी थाली में गिर जाता है, वो भी रसगुल्ला निचोड़ निचोड़ के खा रहा है, बड़ी गर्मी है रसगुल्ला भी पसीने छोड़ रहा है। कुछ मेहमान अभी भी आ रहे हैं, आइए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। कुछ लोग जानबूझ के भी लेट आते हैं, साड़ी अच्छी पहनी ना तो दिखानी होती कि मैंने ये ली है। यू आर लुकिंग वेरी नाइस मैम। ज्यादातर लोग जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो ये लोग जो होते हैं बड़ा कैलकुलेशन करके चलते हैं कि 26 की उम्र में नौकरी लगेगी, 28 की उम्र में शादी, 30 की उम्र में पहला बच्चा, 34 की उम्र में दूसरा बच्चा। लेकिन मौसम दिल्ली का ऐसा है, कभी कभी इतनी सर्दी पड़ जाती है जो बच्चा 34 की उम्र में आना होता है वो 2 साल पहले भी आ जाता है। तो भगवान ने भी कुछ प्लानिंग की होती है। अच्छा सिग्नल पे एक और रिवाज देखा मैंने, सिग्नल होता है ना जब, तो दिल्ली वाले स्कूटर रोक के कहीं पे भी एक नंबर करने लगते हैं, उनकी टाइमिंग बड़ी सेट है। सिग्नल पे चल रहा है ना कि ग्रीन लाइट होने में 8 सेकंड बचे हैं, इधर देख के अपना काम तमाम कर रहे होते, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतनी टाइमिंग मैंने दिल्ली के अलावा और कहीं नहीं देखी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स